हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे। आप हमारी क्लास देखते हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाए जाते हैं। रेगुलरिटी के साथ अब आपको क्लास मिलेगी हिस्ट्री के लिए। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो 2020 बदले हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, तो उसको आप डेली यहाँ पर देख सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखो, हिस्ट्री में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक लोग पढ़ाना शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से, राइट। उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता पर जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको वो चीज़ें नोट करा देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, निश्चित है, और उसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें बुक पढ़ना पड़ती हैं, डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तब जा करके कहीं वो क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं सबसे पहले उनको समझ लो, चाहे प्राचीन काल से शुरू हुए हैं और आधुनिक काल तक के आते हैं, राइट। तो एक एक करके जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको निकाला गया, मतलब उनको के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है, तो उनको सबसे पहले नोट कर सकते हैं, राइट। पहला युद्ध है जिसे हम वितिष्ठा के युद्ध के नाम से जानते हैं, वितिष्ठा का युद्ध। इसका दूसरा नाम है, इसे कर्री का युद्ध भी कहते हैं, इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, झेलम जो वितिष्ठा का आज का नाम है, इसे हेडेप्सस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के बीच हुआ, नोट करने वाली बात ये भी रहेगी, कब हुआ ये भी नोट करना है। 326 BC ईसा पूर्व में ये युद्ध लड़ा गया, झेलम के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध कह देते हैं। किस किस के बीच हुआ था, तो देखो ये युद्ध शुरू हुआ था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर वर्सेस राजा पौरुष, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था, राइट। अब सिकंदर कौन था, कहां से आया, ये बातें तो हम आगे भी पढ़ेंगे, मगर फिर भी शॉर्ट में जब सिकंदर का नाम आया है तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो सिकंदर जो है मैसिडोनिया या मकदोनिया कहते हैं, तो मैसिडोनिया का शासक जो था फिलिप द्वितीय, उसका पुत्र था फिलिप द्वितीय, भारत आता है। यहाँ पर उसका कड़ा मुकाबला राजा पौरुष के साथ हुआ था, ये शक्तिशाली राजा थे, इनकी सेना में हाथियों की सेना भी हुआ करती थी, राइट। रिजल्ट क्या मिलता है, तो रिजल्ट मिला कि सिकंदर इसमें विजयी हो जाता है और जो राजा पौरुष हैं वो पराजित हो जाते हैं। कारण क्या था, आखिर राजा पौरुष पराजय कैसे हुए, तो इनकी पराजय का प्रमुख कारण है इनकी हाथियों की सेना, कि हाथियों पर जब आक्रमण किया गया तो हाथी अपनी सेना के ऊपर उसको रौंद के रख देते हैं। सिकंदर की विजय का कारण था उसके सुसंगठित घुड़सवार सैनिक, उसका प्रयोग किया उसने, तो अलग अलग कारण लिख देते हैं, विजय में ये आ गया, पराजय में ये आ गया। अब फिल्मों में सीन दिखाया जाता है कि पौरुष की वीरता से प्रभावित होकर के सिकंदर ने उससे पूछा था कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो उनका जवाब था कि वही सलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, तो दोनों में मित्रता हो जाती है और ये समाप्त हो गया। चूंकि प्राचीन भारत का ये महत्वपूर्ण युद्ध है इसलिए पूछा जा सकता है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय और यूनानी जो सभ्यता है वो एक दूसरे के संपर्क में आती है, ठीक। तो पहला युद्ध तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम याद कर लें। अब प्राचीन भारतीय इतिहास का ही एक दूसरा युद्ध है जहां से फिर क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो युद्ध क्या है, चलो उसकी ओर चलते हैं। उस युद्ध का नाम है कलिंग का युद्ध, ये तो सभी जानते हैं, अशोक, सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध, ये सम्राट अशोक के जीवन का पहला और अंतिम युद्ध था। कब लड़ा गया, ईयर 261 ईसा पूर्व या BC में। कलिंग एक शासन का नाम भी है, मतलब राज्य को भी कहते हैं, उड़ीसा के पास जो स्थान आता है उत्कल, उसको कलिंग के नाम से कहा जाता है कि अशोक ने शासक विहीन कलिंग से युद्ध लड़ा था। अलग अलग कहानियां चलती हैं क्यों लड़ा था, इसके पीछे भी कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि
अशोक को पूर्वी समुद्र तट पर अधिकार करना था, यहाँ से व्यापार करने में आसानी रहती थी, इस कारण से युद्ध लड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ नागा जाति के लोग थे जिसने अशोक के खजाने में लूटपाट की थी, तो उसका बदला करने के लिए युद्ध लड़ा, राइट। कुछ कहते हैं कि अशोक की साम्राज्यवादी विस्तार की नीति का यह हिस्सा था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार होता है और उस नरसंहार के बाद अशोक ने वैरी घोष, जिसे हम कहते हैं कि दुश्मनी करते रहना, साम्राज्यवाद करते रहना, उसको छोड़ करके धम्म घोष को अपना लिया या भविष्य में कभी भी युद्ध न लड़ने की शपथ ली, ऐसा इतिहास में लिखा रहता है। मगर ऐसा नहीं था कि अशोक अहिंसक हो गया था, हिंसक तो था, शासन जब संभालता है तो अपने 99 भाइयों की हत्या करता है, ऐसे भी कुछ इतिहासकार बताते हैं। खैर, प्राचीन काल का महत्वपूर्ण युद्ध 261 BC कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। भविष्य में कभी भी युद्ध ना लड़ने की शपथ ली, ये इसकी कहानी हो जाती है, राइट। अगला युद्ध नोट करें, अगला युद्ध कौन सा आएगा? उस युद्ध का नाम है जिसे कहते हैं सिंध का युद्ध, प्राचीन काल का ही ये भी युद्ध है। सॉरी, तो सिंध का युद्ध इसमें क्या कब हुआ? ये बड़े लंबे समय तक युद्ध चला है, यानी क्वेश्चन आए कि 112 वर्षों तक कौन सा युद्ध हुआ था, तब आंसर आपका यही होगा कि यही युद्ध था जो 112 वर्षों तक चलता रहा। कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 187 ईसा पूर्व में, समाप्त कब होता है? 75 ईसा पूर्व में। तो आप काउंट कर लो, ये 112 साल हो जाता है। किसके समय शुरू हुआ था, कौन कौन था? तो यहां पर पुष्यमित्र शुंग जो था, मौर्य वंश के बाद आता है ना पुष्यमित्र शुंग। दूसरी तरफ कौन था? तो डिमेट्रियस, बैक्ट्रिया के जो यूनानी थे, तो डिमेट्रियस या डिमेट्रियस कुछ भी लिख सकते हैं, उसके साथ यह युद्ध हुआ था। पुष्यमित्र के वंशज जो आते हैं, यानी उसके वंश में आगे चल करके वसुमित्र, तो वसुमित्र ने इन्हें पूरी तरीके से यूनानियों को पराजित किया था सिंध नदी के तट पर, सिंध प्रोविंस भी कह सकते हो। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण युद्ध है, 112 वर्षों तक चलता है। क्लियर हो गया? ये नोट करते जाना पड़ेगा, PDF के लिए नोट्स परचेज करना पड़ते हैं, मुफ्त में PDF नहीं मिलता है। और डिटेल के लिए नीचे आप देखोगे ये ईमेल आईडी रहता है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हो। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है जिसे हम हूणों के आक्रमण के नाम से जानते हैं। जल्दी क्लास एक रेगुलर स्टार्ट होगी 500 रुपीज पर मंथ में, जिसमें PSC प्री 2020 के लेकर के लेक्चर शुरू हो जाएंगे, उसका ब्रॉड डिटेल में टाइम टेबल बता दिया जाएगा आपको बहुत जल्दी। हूण कौन थे तो पहले उसके बारे में पता कर लो। तो हूण जो है ये पश्चिमोत्तर जो चीन है, चीन के पश्चिम उत्तर में, तो वहां की एक बर्बर जाति थी। बर्बर मतलब असभ्य, हमेशा लड़ने भिड़ने के लिए तैयार, उस प्रकार की एक जाति थी। इनकी एक शाखा है, उड़ों की शाखा, तो एक शाखा निकल जाती है जिसका लीडर था अटीला हूण, और पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य को नष्ट कर देती है, ध्वस्त कर देती है। दूसरी ब्रांच जो है वो भारत में आती है अफगानिस्तान के रास्ते, क्योंकि भारत में आने का यही एक रास्ता बचता था, और कोई रास्ता तो था नहीं, तो अफगानिस्तान के रास्ते ये प्रवेश करते हैं। इनके जो आक्रमण है, ईयर अगर बात करें 455 AD, यानी अब हम ईसवी में आ गए, 12 साल तक वे 467 AD तक होते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि हूणों को किसने पराजित किया था, तो नाम आता है ना स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, और इसमें इनका एक सेनापति है यशोधर्मा, उसकी प्रमुख भूमिका रही है हूणों की पराजय में, ठीक। ये भी युद्ध हो गया, महत्वपूर्ण युद्ध ये कंप्लीट हो जाता है। अगला देखें, इसके आगे, तो इसके आगे फिर एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसका नाम है, आपसे पूछा जाए कि बताओ भारत पर पहला इस्लामी आक्रमण किसने किया था?
तो पहला इस्लामी आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार भारत पर आक्रमण किया था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम जिसे कहते हैं। इस्लामी आक्रमण होता है, इसके आक्रमणों को रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दो युद्ध होते हैं, पहले 711 ईस्वी में और दूसरा होता है 712 ईस्वी में। ठीक पहले में तो ये पराजित हो गया था, दूसरे में से सफलता मिली। सिंध प्रांत पर तब एक हिंदू साम्राज्य शासक था दाहिर, तो दाहिर को पराजित किया और उसको हत्या करा दी थी। तो पहला इस्लामी आक्रमण किसने? मोहम्मद बिन कासिम। इसे पहला इस्लामी आक्रमण भी कहते हैं, इसे पहला अरबी आक्रमण भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये रावर के युद्ध के नाम से कंप्लीट हो जाता है। अब हम पहुंचते हैं धीरे धीरे कहाँ पर? मध्यकाल में। मध्यकाल के युद्धों की ओर आ जाते हैं। ओके, तो मध्यकाल के युद्ध उनको भी देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। सबसे पहले हम मध्यकाल का एक युद्ध लिखेंगे, उसका नाम है, कौन सा लिखा जाए, महमूद गजनवी के आक्रमण। इसका नाम तो सुना होगा ना, पढ़ते रहते हैं ना, महमूद गजनवी। कौन था भाई ये? तो ये था तुर्क, तुर्क आक्रमणकारी था। कहाँ से आया? गजनी नामक स्थान से भारत आया था। इसके साथ अनेक इतिहासकार विद्वान भी आए हुए थे, तो उनसे हमें ये जानकारियां भी मिल जाती हैं इतिहास के संबंध में। एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है इलियट इरविन। वो कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, 17 टाइम्स, है ना। दूसरे इतिहासकार शक भी पैदा करते हैं कि शायद ऐसा नहीं है। क्यों किया भाई आक्रमण? सबका एक उद्देश्य होता था इन मध्यकाल में, एक इस्लाम धर्म का प्रचार करने आते थे और दूसरा हमारी संपत्ति को लूटने आते थे। यही इनके आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता था, इसलिए ये आए। तो प्रमुख कुछ आक्रमण जो है वो हम देख सकते हैं। सन 1000 ईस्वी में काबुल में जो हिंदू शासक थे उनको पराजित किया, राइट। दूसरा आक्रमण जो है 1001 में होता है, उसे पेशावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में आता है। तो यहाँ पर उसने पंजाब का जो शासक था जयपाल, उसे पराजित कर दिया था और उसने पराजय से पोरेट पर दास शब्द लिखवा दिया था, तो फिर वो अग्नि को समर्पित कर देता है। 1009 में इसने आक्रमण किया था, जिसे वै हिंद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो वै हिंद के युद्ध में जयपाल का पुत्र जो था ना आनंदपाल, तो आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल ने कोशिश की थी एक संघ बनाने की, पहला एक मिलजुल करके इसके खिलाफ युद्ध लड़ने की। फिर 1025 में इसने क्या किया था? इसने 1025 में सोमनाथ के मंदिरों को लूटा था। 1026 में जो जाट विद्रोह थे उनको कुचलने में काम किया था। सोमनाथ का मंदिर, वहाँ का ज्योतिर्लिंग जो था हवा में स्थिरता लटका हुआ था, तो चमत्कार की उम्मीद में संघर्ष ही नहीं किया गया। ऐसे करके ये चीजें हो जाती हैं। इसके बाद अगला युद्ध वो भी देख लेते हैं। तो अगला युद्ध आता है, उसे हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये टोटल कितने हैं? दो, और दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए। वर्सेस चौहान, पहले में तो गोरी पराजित हो गया 1191 में, और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है 1192 में। कहा गया कि जयचंद जो था उसने विश्वासघात किया था, इसलिए पराजित हो गया। तो जयचंद ने विश्वासघात क्यों किया था? जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उसका उसने स्वयंवर आयोजित किया, पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं। बुजुर्ग थे, ईगो हर्ट हो गया, तो इस वजह से संयोगिता का उन्होंने अपहरण कर लिया था। तो ये इनकी दुश्मनी थी। 1194 में चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को भी पराजित किया था, गहड़वाल वंश को बिलोंग करता है। ऐसे करके ये युद्ध कंप्लीट हो जाता है।
इसके आगे के जो युद्ध हैं वो कौन से युद्ध हैं, तो उनको आज की क्लास में नहीं अगली क्लास में, यानी हम पानीपत के युद्ध देखेंगे, फिर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध अगले सेशन में इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें। गुड लक।